यार आज मैं कैसी यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करने वाला हूँ जो कि है सौराष्ट्र रीजन में गुजरात के, जिसको नैक ए प्लस एग्रीडेशन मिला है और ये गुजरात का ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जिसको नैक ए प्लस मिला था, प्लस जो कि है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और साथ ही में स्टडी इन इंडिया के तहत जो भी एंट्रीज आती है उसमें 74,000 टोटल एंट्रीज थी, जिसमें से 7,000 सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को दी गई थी बाय द स्टूडेंट्स और वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। हाँ जी, मैं आया हूँ आज मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आज अपन लोग करेंगे इसका पूरा कैंपस टूर और आपको दिखाएंगे ऐसी क्या चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है जिससे इतना ज़्यादा तहलका यहाँ पे मचा हुआ है गुजरात के अंदर। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों आते हैं न्यू चैनल टीकेबी प्रीमियम टेक ब्लॉग्स में एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्योंकि आपको मचाना है। जी आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैम, मैं एक वीडियो शूट कर रहा था। तो मैम, मैं ना यहाँ पे आज कैंपस टूर करने आया था। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जो है क्वेरी आ रही थी मेरे चैनल पे कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का हमको कैंपस टूर देखना है, तो क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो कैंपस टूर करने में? चलिए, या प्लीज़, थैंक यू। लोग बैठे हैं मेन बिल्डिंग के बाहर, तो मैम आप बताओगे थोड़ा? सो मेन बिल्डिंग इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सारी चहल पहल रहती है। यहाँ पे मेजरली इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिजियोथेरापी, फार्मेसी, उनके सारे क्लासेस रहते हैं, उनकी सारी लैब्स इधर है। फिजियोथेरापी की ओपीडी है, मैक लैब इधर है, कॉन्फ्रेंस रूम्स है और हर फ्लोर पे कैंटीन कियोस्क है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये फेवरेट बिल्डिंग है और हमारा एचआर डिपार्टमेंट भी जरा इधर ही है, तो थोड़ा बच के चलो अभी से हम एक्सप्लोर करने जाते हैं। दिख रहा है, चल यार चाय पिला, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। एक्चुअली दिस इज आवर टी पोस्ट इन द कैंपस, गुजरात और सौराष्ट्र रीजन में टी पोस्ट काफी फेमस है, उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। ओके, इट्स अ फ्रेंचाइजी? या इट्स अ फ्रेंचाइजी, जिसका एक आउटलेट यहाँ मारवाड़ यूनिवर्सिटी में भी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ स्टूडेंट्स लोग बैठते हैं, यू कैन सी द सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ऑल। और अगर किसी को बंक वगैरह करना है तो वो भी आ सकता है, राइट? अरे बिल्कुल आ सकता है, कभी-कभी हमें भी ब्रेक चाहिए तो हम भी चले आते हैं। हाँ, मैं शाम में आया था यहाँ पे, तो मैंने देखा था काफी बच्चे चिल कर रहे थे, बैठे हुए थे, कोई हैंग आउट कर रहा था, तो काफी इंटरेस्टिंग रहती है यहाँ पे। ओके, बाकी मेरे को आप लोगों को ना एक चीज़ और बतानी थी जो कि मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ना ये चीज़ मिसिंग लगती है। और अभी एक यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी हुआ था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, तो गर्ल्स की जो टाइमिंग होती है ना वो कैंपस में बहुत अर्ली होती है कि 7 बजे तक मैक्स यहाँ पे लड़कियाँ कैंपस में घूम सकती हैं। बट मैंने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा कि 9:45 तक की टाइमिंग है हॉस्टल्स में जाने की, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी और मैं देख रहा था। प्लस यहाँ पे मेरे को गार्ड ज़्यादा देखने को नहीं मिले, बट एक चीज़ सुन के मैं काफ़ी शॉक हुआ कि यहाँ पे रैगिंग नहीं होती। आप सोचो इस चीज़ को मैनेज करना, मेनटेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि यहाँ पे गार्ड्स नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, स्टिल बच्चे इतने फ्रेंडली हैं सब। और मैंने भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा, सब बच्चे चिल मार रहे थे, सब दोस्त वोस्त एकदम फन कर रहे थे। क्या है कि हर एंट्रेंस पे गार्ड्स रहते हैं और कैमराज रहते हैं, ताकि हर पॉइंट पे गार्ड्स रखने की यहाँ जरूरत पड़े। साइड नहीं रखे, आप लोगों ने कैमरे का पूरा यूटिलाइज किया है कि एक बंदा बैठ के मॉनिटर कर रहा है, जिस पे रखे हैं ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनके लाइफ में बहुत प्राय किया जाता है। दे कैन हैव अ गुड टाइम हियर। तो बड़ी यूनिवर्सिटी में ये लोग बच्चे काफी ज्यादा ना इस चीज से, जैसे आपने बोला, बच्चों को ये ना लगे कि उनकी लाइफ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये चीज होती है बड़ी यूनिवर्सिटी में जिनके कैंपसेस बहुत बड़े होते हैं ना, माँ हर कदम पे आपको गार्ड मिल जाएगा, जो काफी बार इरिटेटिंग हो जाता है। लाइक मैं चिल कर रहा हूँ, हम हंसी मजाक में कुछ कर देते हैं तो वो आके टोक देते हैं, तो वो चीज़ होती है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पे काफी फन लगी, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप एक मस्त लाइफ जीना चाहते हो और पढ़ना भी चाहते हो ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो चलो अभी अपन लोग चलते हैं और जगह एक्सप्लोर कर। अभी अपन लोग हैं एमपी थिएटर में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के, तो मैम आप बताओगे बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होता है और कैसे? यहाँ पे ना कोई कोई इवेंट्स रहती है, ओपन माइक्स है, मूवी नाइट्स है, तो यहाँ पे स्क्रीन लगा के बच्चे लोग साथ में देखते हैं, क्योंकि हॉस्टल इवेंट्स कमिटी जो है वो अलग अलग इवेंट्स करता रहता है। और
उनको थिएटर में जाने का या फिर अकेले मूवी देखने का नहीं मजा आता, तो यहाँ पे मूवी नाइट्स कर लेते हैं। यहाँ पे मूवी नाइट्स भी होती है, मतलब सामने टीवी चलती है और यहाँ सब बच्चे बैठे हैं। हाँ जी, और यहाँ पे आराम से 700-800 लोग साथ में बैठ सकते हैं, तो ऐसा एक कम्युनिटी का भी फीलिंग आएगा कि साथ में कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो जो भी इंडोर नहीं करना और आउटडोर जैसा लुक चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। ओपन माइक से मुझे याद आया, मैं भी शायर तो चलो एंड में शायरी करेंगे जब वीडियो एंड करेंगे, तो अभी चलते हैं यहाँ से ताकि हम और जगह एक्सप्लोर करें। तो यार अभी है अपन लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ, तो मैम यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं आउटडोर में इंडोर अभी अपन लोग बात करेंगे। यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, दो अलग सेक्शंस किए हुए हैं बास्केटबॉल के, फिर यहाँ पे टेनिस का ग्राउंड है, और यहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं, और अगर हम आगे जाएंगे तो उधर क्रिकेट ग्राउंड है, उसके फिर है फुटबॉल ग्राउंड है, और देयर इज अ बॉक्स क्रिकेट मैट एज वेल। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने कोचेस भी प्रोवाइड किए हुए हैं बच्चों को? यस, वी हैव अ स्पोर्ट्स डायरेक्टर, और उनके अंडर 5-6 फैकल्टीज हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं स्पोर्ट्स के लिए और अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए, या फिर कला महाकुंभ हो, खेल महाकुंभ होता है उसके लिए लेके जाते हैं, और इंटरनली भी इंटर कंट्री और इंटर डिपार्टमेंटल गेम्स रहते हैं। ओके, और स्पोर्ट्स फेस्ट होते रहते हैं। तो बाकी यहाँ पे कुछ पैसे वैसे भी लिए जाते हैं ये सब कराने के लिए या फिर फ्री है? नहीं, ये सब तो ये इनके एजुकेशन के साथ ही आता है, हम लोग भी कभी खेलने आ सकते हैं। अच्छा, हाँ यहाँ पे अभी बच्चे दिख नहीं रहे, वरना मैं भी सोच रहा था कुछ खेल ही लेंगे। मैं स्पोर्ट्स में तो बेकार था, पर एक रीज़न ये भी था क्योंकि सब जगह फीस होती है। आई थिंक जहाँ भी आप जाते हो अगर आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो जैसे स्विमिंग पूल वगैरह कुछ, वैसे तो मैंने मोस्टली फीस सुना है, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है एक्स्ट्रा जो आपसे ले रहे हैं एकेडमिक, सिर्फ वही है, उसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है। तो चलो अभी अपन लोग इंडोर स्टेडियम देखते हैं जहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स होंगे, राइट? जी, तो चलो उसको भी कवर करते हैं। सारे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज का सिस्टम में इंफॉर्मेशन होता ही है, तो यहाँ पे पंचिंग करना पड़ता है जो कैमरा के साथ होता है। जैसे कि मैंने पंचिंग किया तो मेरा एम्प्लॉय कोड और मेरा नाम यहीं पे आ गया, सो इनको पता लगे कि किसने विजिट किया है। मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, राइट? जी, कैमरा भी फेस रिकॉग्निशन से। ये टेक्नोलॉजी मेरे को काफी अच्छी लगी है, मैंने पहली बार देखी है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बुक्स हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन मिल जाती है, मैनेजमेंट रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, फिजियो रिलेटेड, तो यहाँ पे सारे रैक्स हैं। और यहाँ पे सर्च कियोस्क भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए स्पेसिफिक ऑथर के तो आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे रैक्स पे ढूंढना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए ये इजी ऑप्शन रहता है। तो इधर ऑडियंस को भी दिखा देते हैं ये किस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको टाइटल और ऑथर दोनों पता है या फिर सिर्फ कोई स्पेसिफिक ऑथर की चाहिए। यहाँ पे शेल्फ नंबर भी आ जाता है, राइट? जी, जी, शेल्फ जी, जी। तो यहाँ पे ना दो लाइब्रेरी है, एक रिसर्च लाइब्रेरी है और एक ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप आके बुक्स मैन्युअली पढ़ सकते हो, बट रिसर्च लाइब्रेरी में आप सिर्फ बुक्स को पढ़ के इशू नहीं करा सकते, यहाँ पे इशू एंड रिटर्न दोनों कर सकते हो। रिसर्च लाइब्रेरी इसलिए रखी गई है क्योंकि बुक्स जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं बच्चों की क्वालिटी के हिसाब से, तो जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना तो सारे बुक्स इशू हो जाते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिनको बुक्स नहीं मिल पाते, तो वो रिसर्च लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे बुक्स वहाँ पे बैठेंगे, पढ़ेंगे और वापस करके आ जाएंगे, वो इशू नहीं होगी उनके नाम पर। Okay.
जैसे मेरा फेस दिखेगा, मेरा पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मेरी जो हिस्ट्री है वो दिखेगी। फिर इश्यू करने के लिए यहाँ पे स्पेस है, प्लेस योर बुक हियर, सो यू प्लेस योर बुक हियर और बुक की सारी डिटेल्स आ जाती हैं एंड जस्ट चेक इट एंड देन क्लिक ऑन इश्यू। इश्यू सक्सेसफुल, सो अभी हम लेके जा सकते हैं। अभी इन्होंने इश्यू किए बिना बुक लेके गए तो ये सायरन बजा। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो यहाँ की लाइब्रेरी यूज़ करती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बुक इस तरीके से ले जा सकते हो तो हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, पकड़े जाओगे। हम रिटर्न के प्रोसीजर दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे हम लाइब्रेरी में एंटर होते हैं तो वी हैव टू कीप आवर बुक्स हियर, सो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी रिटर्न सक्सेसफुल। जैसे हमने इन पंच किया था वैसे हमें आउट पंच भी करना रहता है। सो इन लोगों ने ओके मैसेज दिखा दिया है। सो विद दिस पता चलेगा कि आप कितना टाइम लाइब्रेरी में थे और स्टूडेंट रिकॉर्ड में भी दिखता है, आपके घर पे भी पता चलता है। मैं आया हूँ उस समय मारवाड़ यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जगह पे जो कि होता है इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर। यहाँ पे बच्चे जो है बड़ी खुराफाती करते रहते हैं और यहाँ पे फंडिंग वगैरह स्टार्टअप जैसे व्हाट्सअप सुनोगे, शार्क टैंक तो आज के टाइम पर ट्रेंडिंग टॉपिक आई है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हर यूनिवर्सिटी के बच्चे करते हैं, वही चीज़ मारवाड़ी में भी हो रही है और देखते हैं यहाँ के बच्चे कितने ज़्यादा खुराफाती हैं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे SIG के अंदर जिसके फुल फॉर्म है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और यहाँ पे जो भी बच्चों का कैरियर डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो भी काम रहता है या फिर जो भी उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाई जाती है वो यहाँ पे होती है और यहाँ पे ग्रुप्स में जो है वो बच्चे बैठे हुए होते हैं और ये लिटरली काफ़ी प्यारा है। ऊपर आप दिखा दूँ यहाँ पे प्रोजेक्टर और सामने डिस्प्ले भी लगा है। यहाँ पे टीचर जो है पूरा अच्छे से ट्रेन करता है बच्चों को, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम या बोलूँ एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी नीडेड रहता है बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं और ये जगह मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है तो मैंने कहा ये तो लेना बनता है। तो चलो अभी चलते हैं। तो यार अब बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैं जो हूँ वो बुरी तरह थक चुका हूँ। तो अब जो बताएंगे आपको नंदी मैम बताएंगे। सो पिक्चर अभी बाकी है, हम यहाँ पे हैं सत्यार्थी बिल्डिंग पे। सत्यार्थी बिल्डिंग में हमारे लॉ और मैनेजमेंट के कोर्सेज रहते हैं और यहाँ पे मोट कोर्ट हॉल भी इधर ही है। सो चलिए अभी उसको भी देख ही लेते हैं। हाँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है मोट कोर्ट वगैरह देखना और क्लासेस वगैरह भी अपन लोग देखेंगे कि कैसी है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में। तो बनी रही है। So we are at an end of this video. I hope आपको ये मारवाड़ यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर अच्छा लगा होगा और आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको कोई भी क्वेरी हो तो हम हमेशा रीचेबल होते हैं। आप मारवाड़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। थैंक यू एंड साइनिंग आउट।